परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा उसको बदलाव भी करना वही करेगा उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आ करके के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा बिल्कुल ठीक है जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है तब तक तो आपने ऐसे ही होगा जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका और किसके पास जाते हैं साधु संतों के पास जाते हैं तो वो फिर तरीके भी बताते हैं ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई ये तो भोगना ही पड़ेगा पुण्यात्मा जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा फिर भक्ति की क्या हो सकता है कि तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में एक व्यक्ति कह रहा था एक भक्त था हमारे गुरुदेव का भक्त था और उसने दीक्षा ले ली वैसे तो उन्होंने नहीं ले था और नास्तिक टाइप हो रहा था फिर किसी ने किसी से उसने हाथ दिखा लिया अपने जो जंतर मंत्रोस सवाले होते हैं पामिस्ट उसने बताया कि तेरी आयु सत्ताईस वर्ष की है उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा उसको चिंता बनी क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू पा क्या है फिर नहीं समझता किस और जब इसको इन पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी फिर इसकी गिगी बन जाती है उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो और दूसरा बढ़िया अपामिष्ट पूछा किसी थे उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है इतने रुपए लेता है और बिल्कुल सो की सो सच आपके अंक बता देगा किस्मत के वहां गया उसने भी जाते बताया तेरी आयु सत्ताईस वर्ष की है अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं तीन चारों से उसका था मैंने पूछा और सब ने एक फाइनल कर दिया और उसमें उम्र थी उसकी सारी तेईस चौबीस वर्ष की तो उसने चिंता खाने लगी घरवालों को बतावा नहीं फिर उसको राम की कथा भी सुहाने लगी क्यों मौत निकट दिखाई देती कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुना सुनाया एक दिन दया होगी परम संत की शरण उसको मिल गई अब वो भक्ति पर दृढ़ होकर लाग गया घर वाले कहे तेरा बीमारी क्या है वो कहे मैं ठीक हूं कोई दिक्कत नहीं है ना ढंग से खावे ना उड़ डे न ना गनासा बैठ के किसी से बात करे ना तो तुमने सोची भाई फिर उसकी शादी कह लगे शादी कर करते हैं तेरी बोला मैं शादी ना कराता विवाह भी नहीं कराया उसने इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा बालकन कौन पालेगा अब वो सत्ताईस साल का हो गया और जब सताइसवा वर्ष आया तब तो, तो उसकी कति और दो रोटी खाओ था एक रहेगी और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा अब जब देखा उसने सत्ताईस व वर्ष पूरा हो गया यानी दिसंबर का इकतीस तारीख आई तब तो उसने सोची भाई चलो उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसको फिक्स करके उसने सोचा एक दो दिन आगे पाछा हो जाया करे बात तलोवा लग रही है तो आ लिया टाइम एक दिन गया दो दिन गया तीन दिन गया चौथा दिन भी इंतज़ार करी पांच दिन हो गए दस दिन हो गए पंद्रह दिन हो गए उसने सोचा आज फिर दिखा लूं वो फिर गया उन पामिष्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी अभी फेरवाए बता दे उसने जाकर देखा जी मेरी कितनी उम्र है उसने बताया भाई तेरी उम्र तो सत्तर साल की है मेरी उम्र सत्तर साल की उसके बाद चीना कहते इसने तो का मार दिया इसने पता था कि तो मरण न हो रहा है उसने फिर दूसरे को दिखाई उसको दिखाई उसने भी बताया कि भाई सत्तर वर्ष जीवेगा तू बच्चा तेरी उम्र सत्तर वर्ष की है वापस आया गुरु जी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए न कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम था कबीर भगवान मेरी उम्र सत्ताईस वर्ष की थी खड़ा होकर रो और बतावे सत्ताईस साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईब जीव है वो कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी सत्तर साल की के उल्स सब भगवान की है छुट्टे बाघ हमारे तो पुणात्माओं परमात्मा कहते हैं दुख में सुमण सब करें सुख में करें ना कोय और जय सुख में सुमण करे दुख काहे को होए अब सुख हो गया तो भगवान छोड़ गया तो ऐसे भी नकम्मे हैं हम हम इन दुखों के योग्य हैं लेकिन समर्थ समर्थ ही होता है उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर दस सूक्त नंबर एक सौ इकसठ के मंत्र नंबर दो में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए तो भी परमात्मा अपने भगत की सौ वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं तो कहते है, मासा घटे ना तिल बध है विध ना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेठ कर ऊपर मारे मेख अब मेख मार दी उसकी परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा और ये है समर्थ की शक्ति लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया ने वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था सत्ताईस साल का हो रहा था और हमने उसका खूब याद है ये बातें तो पुण्यात्मा आपका सौभाग्य आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे न काल तो आपके कान के छीट भी ना लागण दे इस ज्ञान की कोई कित्ता फंसा रख्या है कोई किता उलझा जा है कोई है वैष्णो देवी पजा बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं कोई साला सर जा रहा है कोई बालाजी जा रहा है कोई, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बना कर जा रहा है ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए अब ये ज्ञान शुरू कराया परमात्मा ने और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको सर नमस्कार नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम रूपराम धीमान सर कहाँ से आए हो आप मैं हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ जी सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हम मिलते रहते हैं वो बताते हैं कि उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले सर सबसे पहला लाभ तो मैं ये कहूँगा कि हमें सही भक्ति मार्ग मिला और सत्साधना मिली और सच्चे गुरु मिले सच्चा नाम मिला आध्यात्मिक लाभ मिला और मानसिक शांति मिली इससे बड़ा लाभ और कोई हो नहीं सकता बाकी छोटे मोटे लाभ तो हम हर रोज हमें परमात्मा को हम महसूस करता हूँ मैं हर वक्त अपने साथ महसूस करता हूँ और जो भी मतलब ऐसी अब स्थिति आ गई है जो हम सोचते हैं वो होने लग जाता है और परमात्मा ने सारे सुख दिए हैं हमें आर्थिक भौतिक सारे सुख जो हैं हमारी आर्थिक स्थिति भी बड़ी अच्छी हो गई है बच्चों की भी आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी हो गई है कोई चिंता की बात नहीं है जबकि पहले जो है वो हम कमाते थे उसमें पता नहीं चलता था कि कैसे खर्चे में पूरा नहीं होता था खर्चा लेकिन अब ऐसा हो गया कि थोड़े में बहुत मिल रहा है हमें जी बरकत है हमारे हर काम में और भूत प्रेत की बातें वो जब इन तांत्रिकों के पास जाते थे तो वो भूत प्रेत का हमें बताते थे सारा और वो चीज़ें हमें तंग भी करती थी हम भी महसूस करते थे उस चीज़ को कि ये लगी हुई चीज़ें लेकिन उस दिन के बाद वो सब गायब हो गई मैं खुद हैरान हूँ कि वो अब वो भूत प्रेत कहाँ चले गए अब वो देवताओं की जो समस्याएं बाधाएं थी वो कहाँ चली गई और जो ग्रह में हमारे दोष लिखे थे कुंडली में वो कहाँ चले गए अब वो ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा जैसा कि लोग बताते कि आपके साथ ये होने वाला है कुंडली में ये लिखा हुआ है वो है ये अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा उसके बाद जब से हमने नाम दीक्षा ली है मेरा जो छोटा बेटा है वो चंडीगढ़ में जॉब करता है तो अक्सर बीमार रहता था उसको बुखार हो जाता था बार बार टाइफाइड हो जाता था तो कई बार हुआ उसको टाइफाइड तो हम उसको शिमला लाना पड़ता था चंडीगढ़ में भी ठीक नहीं होता था दवाइयों से ठीक नहीं होता था तो हम यहाँ उसको ले आते थे शिमला में दिखाते थे उसके बाद जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए हैं तब से उनको वो बुखार की शिकायत नहीं हुई उसको ठीक रहता है आ, सर मैं आपको और बताना चाहता हूँ मेरा जो बड़ा बेटा है वो गाड़ियों का उसका गाड़ी चलाता है वो गाड़ियाँ रखी है तो एक दिन वो चंबा जा रहा था तो पहाड़ी रास्ता था और एक तरफ को खाई है पहाड़ों का आपको पता ही है कि कितने वहाँ खाइयाँ हैं और कितने ख़तरनाक रास्ता होता है तो जैसे वो गाड़ी का एकदम से टायर निकला असी की स्पीड में गाड़ी जा रही थी तो पलट भी सकती थी गाड़ी कुछ भी हो सकता था खाई में भी गिर सकती थी लेकिन सतगुरु महाराज की दया से वो गाड़ी एकदम से रुक गई वहीं पर और बीच में एकदम से गाड़ी रुक गई सड़क के बीच में और बच्चे को उसको कुछ भी नहीं हुआ एकदम से उसको लगा कि क्या हुआ पता भी नहीं चला उसको कि क्या हुआ और टायर जो है दूर जाके गिरा और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहा बहुत बहुत धन्यवाद जी सच साहिब